खास बात इंडिया में आपके प्यार को हम करते हैं सलाम। हमने आपके लिए शुरू किया है राजनीतिक चर्चा का दौर। विधानसभा चुनाव है सामने, इसे देखते हुए हमने शुरू की है राजनीतिक चर्चा। इस चर्चा में हम आपको मिलवाएंगे पॉलिटिशियंस से, हम आपको मिलवाएंगे सोशल एक्टिविस्ट से, हम आपको मिलवाएंगे सीनियर जर्नलिस्ट से। हम जानेंगे उनके विचार, वो क्या कहना चाहते हैं, हम उनसे हर बात जानने की करेंगे कोशिश। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे YouTube चैनल खास बात इंडिया को आप करें लाइक, आप करें सब्सक्राइब, ताकि आप हमारे साथ पल पल जुड़े रह सके और शख्सियतों से भी मिल सके, जिन शख्सियतों के विचार हम रखेंगे आपके सामने। राजनीतिक चर्चा में आप रहें हमारे साथ, आप दें अपने सुझाव, हम करेंगे आपके हर सुझाव का स्वागत। जी हाँ, खास बात इंडिया आपके लिए लेकर आया है राजनीतिक चर्चा। आप जुड़े रहे हमारे साथ खास बात इंडिया में राजनीतिक चर्चा पर। नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया में आप सभी दर्शकों का हर रोज की तरह बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं जिंदगी भर के लिए रूठ कर जाने वाले, जिंदगी भर के लिए रूठ कर जाने वाले, मैं अभी तक तेरी तस्वीर लिए बैठा हूं। आइए इसी शेर के साथ आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे चुनाव की, बात करेंगे राजनीति की। बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस हाईकमान पर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस हाईकमान पर उन्हीं के दल के नेताओं ने सवालिया निशान लगाने शुरू कर दिए हैं। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि फाइव स्टार कल्चर के बीच रहकर चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने प्रेस से बात करते हुए ये सवालिया निशान उठाया है कांग्रेस हाईकमान पर, और सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि फाइव स्टार कल्चर को त्यागना होगा, तभी आप चुनाव जीत पाएंगे। क्योंकि बिहार के चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई है। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बयान देना शुरू कर दिया है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। आइए खबर से आपको जोड़ते हैं। हमारे पास बंगाल से खबर आ रही है। बंगाल के रानीगंज में आज एक जबरदस्त सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में चार लोग बुरी तरह घायल हो गए। आपको बता दूं कि एक बोलेरो गाड़ी बांकुड़ा से आ रही थी और बांकुड़ा से रानीगंज की तरफ जा रही थी आनंद लोक अस्पताल होते हुए, तभी आनंद लोक अस्पताल के पास एक मिनी बस से टकरा गई। मिनी बस आसनसोल से रानीगंज की तरफ जा रही थी, इसी समय दोनों वाहनों में जबरदस्त टक्कर हो गई और इस टक्कर में चार लोग बुरी तरह घायल हो गए। बोलेरो पर सवार चार लोग बुरी तरह घायल हुए। बोलेरो पे छह लोग सवार थे, लेकिन चार की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। चारों को निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। एम्बुलेंस का भरोसा तो पैसे हम लोग तुरंत निकाला, सर बोले जाकर रोल कर भेजा। क्या हुआ है? अरे चोट बहुत ज़्यादा लगेगा, चोट लगेगा, चोट ड्राइवर बच्चा को भी चोट छोड़ साइड छोड़ जाते हैं। रानीगंज जा रहा था, बस जा रहा था। तो बीच में नर्सरी है, वो सामने सामने धक्का लगा,
तो बोलोड गाड़ी का लग रहा है दोष है, मिनी बस में कुछ चोट लगा है, बोलोड गाड़ी का ड्राइवर है उनको भी ज़्यादा चोट लगा हुआ है। तो बोलोड गाड़ी में जो लगा है वो कहाँ लेके गया लोगों? हम लोग भेजे मारवाड़ी, किसको हुआ इंजोर्ड? बारह तेरह साल की बच्ची है, बच्चा जो है वो मिनी बस का ड्राइवर गंभीर अवस्था में, बस का ड्राइवर, बस का ड्राइवर कुछ नहीं हुआ, मैंने ज्यादा इंजोर्ड बोलेरो में हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? भाजपा ने लोकसभा चुनाव का भी शंखनाद कर दिया है। भाजपा की तरफ से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज घोषणा कर दी कि 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आज शंखनाद किया गया और 120 राज्यों का दौरा करेंगे जेपी नड्डा और वहां के लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और पार्टी को संगठनात्मक तौर पर मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि पार्टी को हर हाल में लोकसभा चुनाव में नंबर वन पर पहुंचाना है और काम में लग गए हैं भाजपा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज उन्होंने संवाददाताओं से बात की दिल्ली में और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद वह कर चुके हैं और जो है इस शंखनाद के साथ ही उनका सफर शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड से वह सबसे पहले अपना ये सफर शुरू करेंगे और 120 राज्यों में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और उनका जनसंपर्क अभियान चलेगा। इसके बाद आपको एक और खबर से जोड़ता हूं। 26 नवंबर को 10 श्रमिक संगठनों ने मिलकर भारत बंद की घोषणा कर दी है और 26 नवंबर को भारत बंद का ऐलान करते हुए इन लोगों का कहना है कि केंद्रीय नीतियां जो है जनता के खिलाफ जा रही हैं और केंद्रीय सरकार की नीतियों के खिलाफ इस बंद का ऐलान किया गया है और इसे सफल करने की मुहिम तेज कर दी गई है और लगातार जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं वामपंथी संगठनों की तरफ से और लोगों से अपील की जा रही है कि 26 नवंबर को होने वाले भारत बंद का समर्थन करें। आज रानीगंज से जेके नगर तक एक मोटरबाइक रैली निकाली गई और इस रैली में काफ़ी तादाद में समर्थक मौजूद रहे, शामिल हुए और ये रैली जेके नगर में जाकर खत्म हुई। हमने इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने बात की सागर बैनर्जी से जो DYFI के नेता है। জানেন যে আগামী 26 তারিখ সারা ভারতবর্ষব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট, এখন সেই ধর্মঘটে যা দাবি দেওয়া আছে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় যে ট্রেড ইউনিয়নগুলি এবং তার সঙ্গে ফেডারেশন তারা আছে, তার সঙ্গে বাম সহযোগী কিছু দল এবং প্রগতিশীল দল তারা হচ্ছে যে সমর্থনে আছে। আমরা DYFI ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, আমরাও এই যে 26 তারিখের ধর্মঘট, এই ধর্মঘটকে আমরা সর্বাত্মকভাবে সফলের আবেদন জানিয়ে আজকের আমাদের এই বাইক মিছিল। आपको हंसाने वाली कॉमेडियन भारती सिंह की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भारती सिंह और उनके पति हर्ष को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और कोर्ट के आदेश के बाद दोनों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आपको बता दूं कि NCB की टीम उनके घर और उनके दफ्तर में पहुंची कल और उनके घर से 86 ग्राम गांजा बरामद किया गया और भारती सिंह ने स्वीकार किया कि वह नशा लेती हैं और नशा लेने का आदी हैं और हर्ष ने भी इसकी तस्दीक कर दी। इसके बाद शुरू हो गया मामला और आज कोर्ट ने यह आदेश सुना दिया कि 4 दिसंबर तक भारती सिंह और उनके पति हर्ष दोनों न्यायिक हिरासत में रहेंगे। हालांकि दोनों की तरफ से उनके वकील ने आज एक जमानत की अर्जी भी दाखिल कर दी गई है लेकिन इस पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। बहरहाल दोनों न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए 4 दिसंबर तक। और उसके बाद आपको बता दूं हमारे पास पश्चिम बंगाल के कुल्टी से खबर आ रही है। कुल्टी से हमारे संवाददाता वसीम खान ने खबर भेजी है कि कुल्टी के न्यू रोड में आज एक सामाजिक संस्था श्री रामकृष्ण शारदा सेवा संघ की तरफ से आज गरीबों को भोजन कराया गया जिसमें बच्चे भी शामिल थे। तकरीबन 200 बच्चों को यहां भोजन कराया गया और 150 लोगों में कंबल वितरित किए गए और इस तरह का सामाजिक काम इस संस्था की तरफ से लगातार चलता रहता है। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि यहां संस्था की तरफ से सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं और इस दौरान स्वामी भारूपानंद रामकृष्ण मिशन के स्वामी भारूपानंद महाराज, सोमनाथ नंद महाराज खासतौर से मौजूद थे। उनके साथ कल्याण चक्रवर्ती भी दिख रहे हैं और प्रदीप चैटर्जी भी दिख रहे हैं। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ कार्यक्रम चला और कंबल वितरण किया गया। कंबल वितरण करने के साथ साथ भोजन भी करवाया गया गरीब बच्चों को। आज की प्रोग्राम ढल रहा है हमारे जो श्री रामकृष्ण शारदा सेवा संघ कुल्टी पक्ष गरीब मानुष्ठ एक विजय सम्मेलन
তাতে গরিব মানুষদের খিচুড়ি মাংস পায়েস আর চাটনি খাওয়ানো। আর সকালের দিকে একটা প্রোগ্রাম হয়েছে যে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে এখানে 104 পিস কম্বল দেওয়া হয়েছে গরিব মানুষদের মধ্যে। তাতে উপস্থিত ছিলেন আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সোমাত্মানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের হেডমাস্টার মশাই স্বামী ভারুপানন্দজী মহারাজ এবং ওখানকার ডিসপেন্সারি যে চার্জে আছেন স্বামী মানস মহারাজ। আপনার নাম? কল্যাণ চক্রবর্তী। সম্পাদক শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা সেবা সমিতি। कोरोना का एक बार फिर से दूसरा लहर शुरू हो गया है और कोरोना डराने लगा है। देश में 90 लाख के पार चला गया है कोरोना के मरीजों की तादाद और इसी के साथ लोगों में एक फिर से दहशत का माहौल भी कायम हो गया है। कई राज्यों के बारे में हमने आपको बताया था कि कई राज्यों में स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और राजस्थान से भी हमारे पास जो खबर आ रही है राजस्थान में भी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। और उधर अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में भी इसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है मरीजों की संख्या में। और गुजरात से भी हमारे पास जो खबर आई गुजरात में भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। इन राज्यों में लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। हरियाणा के बारे में हमने आपको बताया था कि हरियाणा में 150 से ज्यादा बच्चे संक्रमित पाए गए जिसके बाद से बच्चों को स्कूल भेजना बंद तो कर दिया गया लेकिन यहां स्कूलों को बंद कर दिया गया है 30 नवंबर तक। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार आज संवाददाताओं से बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र की स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। 1600 से ज़्यादा मरीज पाए गए पिछले 24 घंटे में। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार भी कभी भी लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है, ऐसा कहा अजित पवार ने जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र सरकार के। उनका कहना है कि अभी तक फाइनली ये फैसला नहीं हुआ है लेकिन जल्दी ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा। बंगाल के कुल्टी से हमारे पास खबर आ रही है। कुल्टी के साकतोड़िया में टीएमसी की तरफ से एक बूथ लेवल की मीटिंग की गई और इस बूथ स्तर के मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे ब्लॉक अध्यक्ष विमान आचार्य, उनके साथ थे चंदन आचार्य और मीर हाशिम भी नजर आ रहे हैं इस दौरान। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ तृणमूल नेता और उनके साथ नजर आ रही हैं तृणमूल की नेता रजिया खालिद खान और इनकी मौजूदगी में यहाँ बूथ लेवल की मीटिंग चली और गुटबाजी को खत्म करने की बात यहाँ पे हुई। और ये कहा गया कि गुटबाजी जब तक खत्म नहीं होती है तृणमूल कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसीलिए इसको वरीयता दी गई, इसको प्राथमिकता देते हुए मीटिंग की गई और मीटिंग में कई मुद्दों पर खास तौर से चर्चा की गई। लेकिन आज हमें ये फख्र होता है कि हमारी सरकार है, हमारे नेता है, हमारे मंत्री है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग को सोचने की जरूरत है कि जमीनी सतह पे हम लोग काम करना होगा और इससे पहले भी जमीनी सतह पे काम किए हैं जिसका नतीजा में आज उज्जवल चटर्जी हम लोग के सामने है। विमानदा पार्टी लेवल से आए हैं, हमारे काउंसिलर हैं यहाँ पे, तो यकीनन काफी मेहनत किया। इस मेहनत को बरकरार रखने के लिए आज बूथ कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। प्रेसिडेंट बनाए गए हैं आप, उस वक्त प्रेसिडेंट बनाए गए जब हम लोगों ने देखा कि एमपी इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हार गई है। आज हम लोगों ने देखा ना, आपने बूथ लेवल के एक मीटिंग की और उस मीटिंग में हम लोगों ने देखा कि डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं थी, हंगामे जा रहा, हंगामा भी हो गया, ये कहाँ पे टीएमसी से चूक हो रही है? ये हंगामा कोई नहीं, ये देखिए भाषण में तो कोई कसदा बोल दिया, ये तो आप लोग देखा फिर तो ठीक हो गया। हम लोग ये घरों बात है, हम लोग कहीं चीज बोलना नहीं चाहिए, आप बोलेगा तो मैंने बाहर में जाना नहीं चाहिए, ये सब आपस का सब मेरा हम लोग का खास आदमी है, कहीं यहाँ पर कोई झमेला नहीं हुआ, कोई झमेला होगा नहीं। ये तो सिर्फ हम तो देखा वक्ता में ऐसे गंदा बात बोल दिया, काउंसिलर को गुस्सा हो गए, तुम सब ठीक कर लिया, हम तो बोल दिया आगामी दिन में उसको वक्ता कोई वक्ता नहीं देगा, यहाँ तो क्लियर कर दी। देखिए लोकल ट्रेनें बंद होने की वजह से हॉकर्स और विशेषकर जो छोटे लेवल के बिजनेसमैन हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए आज DYFI जो वाम फ्रंट से जुड़ी हुई संस्था है, इस संस्था की तरफ से आज आसनसोल के DRM को एक ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन सौंपते हुए ये कहा गया कि जल्द से जल्द लोकल ट्रेनें शुरू की जाएँ ताकि जो हर रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं हॉकर्स किस्म के लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और इनकी
तंगहाली दूर हो सके। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने बात की DYFI के एक नेता मरहूब राही से। आज आप लोगों का क्या चीज का प्रदर्शन था ये? देखिए, ये तो आप लोग सब जान रहे हैं और सबको अच्छी तरीके से जान रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान, बंगाल, पूरी दुनिया जान रही है कि लॉकडाउन का जो सिचुएशन चल रहा था, पैंडमिक का जो सिचुएशन चल रहा था, इसमें सब कुछ बंद था। गरीब मजदूर का रोजी रोटी का जो मामला था वो भी ख़त्म था, लेकिन अब चूंकि लॉकडाउन में थोड़ा सा सहूलत आया है तो जो गरीब मजदूर है जिसका तक के रोजी रोटी का मामला नहीं पहुंच पाया, जो भूखे मर रहा है, वैसे लोगों को बचाने के लिए कोई तो कदम उठाना चाहिए सरकार को, लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि सरकार उसमें जो है कि कामयाब नहीं है। अभी जो है कि लोकल ट्रेन का मसला है, अगर ये लोकल ट्रेन चालू हो जाता है तो इसमें जो गरीब मजदूर हॉकर है या फिर डेली पैसेंजर जो करने वाले लोग हैं, एक तो ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम जब चालू होता है तो फिर सबका काम धंधा जो है वो चालू हो जाएगा। इसी को लेकर के आज हम लोग इसी दाबी को लेकर के आसनसोल DYFI जो है ये इससे DRM को जो है मतलब हम लोग डेपोटेशन किसी सूरत से भी लोकल ट्रेन चालू हो जाए, तो हम लोगों ने डेपोटेशन दिया स्टेशन मैनेजर के थ्रू। स्टेशन मैनेजर ने हम लोगों को बहुत आश्वासन दिया है कि उन्होंने कहा, उनका यही जुमला था, वेरी सून, बहुत जल्द ऐसा होने वाला है, और हम लोग जो है उम्मीद भी करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसा हो जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा आबादी जो है वो जो आज भूखे मरने के कगार पर है, कम से कम उसके घरों में चूल्हा जले, उसके यहाँ भी बाल बच्चा परिवार है, आखिर उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा। आज के इस डूबती दौर में DYFI नौजवानों की ये जो तंजीम है इसने इस बेड़े को उठाया है, ऐसा सोचा है, और हम चाहेंगे कि और जो लोग जो हैं, हमारी जो जनता है, हमारे जो आवाम है, जो परेशान हाल हैं, उन लोगों को भी हम लोगों के साथ में मिल करके कदम से कदम मिला करके अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। अगर आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं तो आज लॉकडाउन की सूरत में हम लोगों ने देखा कि कैसे सरकार हम लोगों को दबा देना चाहती है। आज जो भी हुकूक हम लोगों के बाकी है उसको भी जो है ख़त्म कर देगी, जीने का आधार तक हमसे छीन लेगी अगर हम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम लोगों का यहाँ आना हुआ। आपका नाम? तो सारा मेरा नाम मरहूब राही है, अपना बस्ती में है। अच्छा है। और मैं आसनसोल DYFI लोकल कमेटी 3 का सेक्रेटरी। स्पोर्ट्स लवर्स क्लब की तरफ से बंगाल के पांडवेश्वर में आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया और इस कैंप के दौरान लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किए और जिसका उद्घाटन किया यहां के विधायक जितेंद्र तिवारी ने। और उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि रक्त की एक एक बूंद काफ़ी कीमती होती है, एक बूंद रक्त से किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। और जितेंद्र तिवारी ने अपने वक्तव्य में ये भी कहा कि 29 तारीख को आसनसोल में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है जिसमें तकरीबन 1500 लोग स्वेच्छा से रक्त देंगे और इसकी वजह से रक्त की कमी को काफी हद तक दूर किया जाएगा। लक्षण आसुदा जार नेतृत्व पंचायत मेम्बर देखो शुद्ध एक कथा এবার বলার প্রয়োজন এসছে যে যারাই আমরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, রাজনৈতিকভাবে মানুষের সমর্থন পাওয়ার একদিকে যখন আমাদের কর্তব্য অধিকার যেটাই বলুন, ঠিক একইভাবে মানুষকে পরিষেবা দেওয়াটাও আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। मुरलीधर राम अवतार बाजोरिया चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से रानीगंज में एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया सीताराम भवन में और इस कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद लोगों में शॉल और कंबल बांटे गए। इस मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद थे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य पूर्ण शशि राय और इसके साथ कई उद्योगपति, कई समाजसेवी भी इस मौके पर मौजूद थे और सबकी मौजूदगी में यह कार्यक्रम चला। जरूरतमंदों में शॉल और कंबल बांटे गए। RP खेतान भी खास तौर से मौजूद रहे। আমি এত খুশি হয়েছিলাম যে আমি মন্ত্রী যদি হতাম করতাম না। 100 বছরের বয়সের 100 বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাকে যোগ্য মনে করেছে, আমার উপর দায়িত্ব নিয়েছে, আমি এত খুশি হয়েছি। আমি আমার যে মুখ্য প্রশাসক দেখতে এমএলও হয়েছে, আমি দু জায়গার এমএলও হয়ে গেলাম, রানীগঞ্জের আসানসোলে আমাদের মধ্যে একটু হাসাহাসি হলো, তারপর আমি রানীগঞ্জের
আমি যেদিনই আসি নতুন করে রানীগঞ্জকে দেখি, দেখুন আমি জামুড়িয়ার জন্মগ্রহণ করেছি, কুলটি আছে, বরাকর আছে, জামুড়িয়া আছে, হীরাপুর আছে, বিভিন্ন জায়গায় মানুষ রয়েছে, কিন্তু এই যে রানীগঞ্জ, এই যে মানবিক সমাজের একটা বড় অবদান। आसनसोल गौशाला में आज गोपाष्टमी उत्सव का आयोजन किया गया और इस गोपाष्टमी उत्सव के दौरान विधिवत पूजा अर्चना की गई, गौ माता की पूजा हुई और भोजन भी करवाया गया गौ माता को। और इस दौरान खास तौर से मौजूद थे जगदीश शर्मा, समाजसेवी जगदीश शर्मा मौजूद थे, सत्यनारायण दारुका मौजूद थे और जगदीश केडिया खास तौर से मौजूद थे और इसके अलावा सुदीप अग्रवाल भी दिख रहे हैं। और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ यह कार्यक्रम हुआ। अरुण शर्मा भी दिख रहे हैं आपको इन दृश्यों में, आप देख पाएंगे। और इन सभी लोगों की मौजूदगी में यहाँ विधिवत गोपाष्टमी उत्सव का आयोजन किया गया और प्रत्येक वर्ष यह उत्सव किया जाता है आसनसोल गौशाला की तरफ से। इस बार भी कोरोना संक्रमण के दौरान तमाम सरकारी नियमों का पालन करते हुए इस उत्सव का पालन किया गया। प्रोग्राम मनाती है, इस साल भी हो रहा है वार्षिक प्रोग्राम। इस समय गौ माता का पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। शाम को जो है मारवाड़ी समाज का गौशाला का मेंबर लोग का प्रीति सम्मेलन जो हर बार होता है, इस बार भी हो रहा है, लेकिन इसमें कोरोना डिस्टेंसिंग ये सब मेंटेन किया जाएगा और हर साल की तरह सब भक्त लोग आएंगे, अपना गाय का जो जिसको पूजा करना होगा पूजा करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी वैसे ही प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है। आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम के बारे में, इस अनुष्ठान के बारे में जरा हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ये आसनसोल गोमानी गौशाला, यहाँ का बहुत पुराना गौशाला, आसनसोल का एकमात्र गौशाला है। हम लोग का एक ब्रांच कल्ला में भी है, यहाँ पर दूध वाली गाय है, वहाँ पर बिना दूध वाली गाय का सेवा हम लोग करते हैं। अभी मारवाड़ी युवा मंच और हम लोग के सब आसनसोल के सभी लोग इससे जड़ित हैं, जितना भी मारवाड़ी समाज है। और आज गोपाष्टमी का दिन है, आज गौ पूजन का महत्व है। आज के दिन गौ माता में सारे देवी 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। गौ माता का पूजन करने से वास्तु दोष खत्म होता है, अनेक से रोग खत्म होते हैं। आसनसोल के जाने माने समाजसेवी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के पश्चिम बर्धवान जिला अध्यक्ष अशोक सिन्हा का पिछले दिनों निधन हो गया। आज उन्हीं की याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में उनको करीब से जानने वाले लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, विशेषकर वरिष्ठ अधिवक्ता नंद बिहारी यादव मौजूद थे, CN प्रसाद मौजूद थे और उनके परिवार के लोग भी इस दौरान खास तौर से मौजूद थे। और इन सभी लोगों की मौजूदगी में उन्हें अश्रुपूरित नेत्रों से श्रद्धांजलि दी गई। बताएं आज क्या कार्यक्रम है? आज मेरे पापा अशोक सिन्हा, उनका आज हम लोग यहाँ पे शोक सभा किए थे। तो पापा का 31 अक्टूबर को पापा का देहांत हुआ था 2020 सुबह 11:22 में। और पापा कुछ समय से 5 या 6 दिन से पापा काफ़ी बीमार थे। तो पहले हम लोग HLG में एडमिट किए थे, फिर हम लोग दुर्गापुर हेल्थ वार्ड में पापा को एडमिट किए। वहाँ 2 दिन वहाँ पे थे, मगर अंतिम उनका 31 अक्टूबर को उनका देहांत हो गया। तो आज पापा के जितने भी सब करीबी जितने भी दोस्त हैं, पापा जो चीज़ से जुड़े हुए थे, सब आज यहाँ पे आए हैं। सब उनको आज हम लोग सबको मिलकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ताकि उनका नाम को हम लोग किस तरह आगे हम लोगों को जीवित रखना है, उसी के लिए हम लोग सब आज विचार विमर्श किए। राज सिन्हा उनके छोटे बेटे, मेरे भैया अंकुर सिन्हा, नमस्कार। अशोक सिन्हा जी के आज इस शोक संवेदना सभा में मैं, उनके परिजन हैं, उनके दोनों सुपुत्र हैं जो उत्तराधिकारी हैं, मैं अपने तरफ से यह डिक्लेरेशन घोषणा करता हूं कि अशोक सिन्हा जी को हम लोग के बीच नहीं रहे, लेकिन आदमी शरीर से चला जाता है लेकिन उसके किए हुए कर्म और कार्य जो है हमें जीवित रखता है। मैं यही सुझाव देता हूँ कि जो अभी सिन्हा जी ट्रस्ट बनाने की बात रखे, तो उनका ये जो जगह है, जो कार्यालय रहा है, उनकी आत्मा यहाँ बसती है, यही उनका सब कुछ था। तो मैं एक सुझाव देता हूँ, अगर जैसा इन लोगों को लगे, ये मेरा सजेशन है कि उनका एक आदमकद स्टेचू यहाँ अगर हो सके तो आप लोग लगाइए। और जहाँ तक ट्रस्ट बनाने की बात है, वही चूँकि वो खासकर मजदूर वर्ग से जुड़े थे शुरू से, तो एक स्टेचू लगाने से क्या होगा कि कुछ नहीं, अगर उनको हम चाहते हैं कि हम लोगों के बीच रहें, तो प्रति वर्ष कम से कम इस बहाने भी
एक आदमकद मूर्ति हो जाने से, उनका स्टेचू हो जाने के बाद, तो एक कार्यक्रम जो है उसको एक संस्कार के रूप में उनके परिजनों के साथ यह जुड़ जाएगा। यह और इसमें जो भी सहयोग की अपेक्षा होगी, मैं अपने तरफ से उनके परिवार के जन जो भी कहेंगे मैं पूरी तरह से उनको सहयोग करूंगा, क्योंकि हमारे मित्र थे, हमारे सहकर्मी थे, हमारे साथी थे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है। 2014 में विधानसभा चुनाव होना है, इसे देखते हुए खास बात इंडिया की तरफ से शुरू किया गया है राजनीति पर चर्चा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के तहत हम आपको मिलवाएंगे उन समाजसेवियों से जिनका समाज के प्रति कुछ ना कुछ एक योगदान रहा है। ऐसे लोगों से हम आपको मिलवाएंगे आपको पॉलिटिशियंस से, मिलवाएंगे आपको वरिष्ठ पत्रकारों से और ऐसे समाजसेवियों से, ऐसे बिजनेसमैन से जिनका कहीं ना कहीं समाज में योगदान रहा है और वह राजनीति से जुड़े रहे हैं। ऐसे लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और हमें अपने सुझाव भी आप लगातार देते रहें। नमस्कार।